20 डिग्री और साइन 30 डिग्री, इसमें बड़ा कौन है? कौन बड़ा है? और एक एक जस्ट इसके बाद आपको हम लिख देते हैं कॉस 20 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। तो साइन 20 डिग्री और साइन 30 डिग्री, ध्यान से सुनिएगा, इस दोनों में बड़ा कौन है? और नीचे में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों कॉस 20 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। अब आपको बताना है कि इस दोनों में बड़ा कौन है और इस दोनों में बड़ा कौन। अब इसी चीज को समझने के लिए आपको एक छोटा सा टेक्निक बताते हैं, जिसको आपको याद देखे ए है, इस 20 के जगह जो है ना आपको ए दे देते हैं और यहाँ 30 के जगह बी दे देते हैं, तो ए छोटा हो गया और बी क्या हो गया? बड़ा हो गया। यहाँ पे क्या है? ए बड़ा है और बी क्या है? छोटा है। तो यदि ए बड़ा है तो साइन ए भी बड़ा होगा, टेन ए भी बड़ा होगा और टेन सेक ए भी बड़ा होगा। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए, साइन बीस डिग्री और साइन 30 डिग्री, ए और बी में ए बड़ा था तो साइन ए बड़ा हो गया, ए छोटा रहेगा तो साइन ए छोटा हो जाएगा। यहां पर देखिए, यह मान लीजिए ए है और यह क्या है? बी है। यहां देखिए, यह आपको ए हो गया और यह आपका बी हो गया, तो आप क्या यहां पर देखें, यहां क्या देखें कि साइन ए यदि बड़ा है बी से तो साइन ए बड़ा होगा और बी क्या हो जाएगा? छोटा रहेगा। साइन टेन और सेक, ये तीन ठो आप लोग याद रखिएगा, साइन टेन और सेक, इस तीन में यदि मान बड़ा होगा तो साइन ए भी बड़ा होगा, यदि ए छोटा होगा तो साइन ए भी छोटा होगा। समझिए यहां पे, अब इस दोनों में कौन बड़ा है? तो आप देख रहे हैं कि यह 30 क्या है? बड़ा है। इस क्या है? बड़ा है। इसलिए यहां क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री बड़ा हो जाएगा साइन 20 डिग्री से। कोई प्रॉब्लम? बढ़िया से समझिए, ध्यान से समझिए। उसी तरह से टेन में और सेक में, यानी यदि डिग्री का मान बड़ा है, यदि वह साइन टेन और सेक में तीन में से कोई एक है तो वह बड़ा होगा। नहीं समझ में आया? आप जब एक्सरसाइज बनाओगे तो वहां पे आराम से समझोगे, यहां पे समझोगे। अब आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। टेन 30 डिग्री बड़ा होगा टेन 20 डिग्री से, होगा कि नहीं होगा? उसी तरह से सेक सेक 30 डिग्री बड़ा होगा सेक 20 डिग्री से। इतना समझने के बाद हम लोग क्या समझ पाए? हम लोग यही समझ पाए कि साइन में, टेन में और सेक में यदि डिग्री का मान बड़ा होगा तो उसका वैल्यू भी बड़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, इसी को जैसे यहाँ पे किए हैं एग्जाम्पल में, जब हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, तो आप बताइए कौसे 10 डिग्री और कौसे 20 डिग्री बड़ा कौन है? छोटा वाला बड़ा और बड़ा वाला। यहाँ पे देखे ना, ए बड़ा था बी से तो यहाँ क्या हो गया? ए छोटा हो गया बी से, जब इसमें कौशेक लग गया तो कौश लग जाएगा, ए बड़ा है तो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। कॉट में ए बड़ा है और कॉट बी छोटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉट ए छोटा हो जाएगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों इसमें हम क्या भरेंगे?
ऐसे भरेंगे। हम दूसरा कॉस का लेंगे तो कॉस 10 डिग्री बड़ा होगा कॉस 20 डिग्री से, यानी छोटा वाला बड़ा हो जाएगा जब सी से शुरू होगा तो, बताए ना, सी से कॉस से उसके बाद कॉट और कॉस, ये तीन त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां सी से शुरू होती है। यह टेक्निक है, ऐसा कोई बात नहीं, आपको याद रखना है। अब इसी तरह से आप देखिए तो कॉट में, तो कॉट 30 डिग्री, कॉट 10 डिग्री बड़ा होगा कॉट क्या होगा, कॉस 30 होगा। तो इस टाइप का जो भी सवाल रहेगा आप बना लोगे, 180 डिग्री होता है। पाए रहेगा प्यारे बच्चों, जहां भी पाए रहेगा तो वहां समझ लेंगे कि 180 डिग्री है। अब फिर देखेंगे कि उसके नीचे में बटे में क्या है, यदि बटे में दो है तो 90 डिग्री, 180 में दो से भागा तो कितना होगा 90। फिर आपका पाए बटे थ्री है तो पाए बटे थ्री है तो हो जाएगा 60 डिग्री, पाए बटे फोर है हो जाएगा 45 डिग्री, पाए बटे सिक्स है तो हो जाएगा, सेम सवाल है ना, इसमें पाए आ गया है तो आप क्या करेंगे, पाए बाय थ्री का वैल्यू कितना है, 180 में तीन से भगा दे दीजिए 60। आप बताए तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, रूट थ्री होता है। कॉस पाए बाय फोर, पाए बाय फोर मीन 45 डिग्री, कौन कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा 1/√2, मतलब पाई बाय, इसका सही जवाब हो जाएगा आपको कॉस 45। प्यारे बच्चों सही जवाब क्या होगा, कंफर्म? यस सर। तो टेन स्क्वायर 60 डिग्री है तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 60 डिग्री का मान होता है बाबू √3। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर दिया हुआ है, जैसे मान के चलिए टेन स्क्वायर 60 डिग्री तो क्या हो जाएगा √3 का आपको स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो आप यहाँ पे क्या भर दोगे, 2 15 है इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 15 × 2 = 30 डिग्री। अब इसका मतलब हो गया कि cot 30 डिग्री का मान पूछ रहा है, a का मान कितना निकल गया 30 डिग्री, तो हमको किसका मान निकालना है cot 30 डिग्री का। तो प्यारे बच्चों cot 30 डिग्री बराबर कितना होता है, cot 30 का मान कितना होता है √3। तो यहाँ पर आप लिख देंगे √3, तो इसमें भर देंगे √3 स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। प्यारे बच्चों साइन 90 का मान 1 और टेन 45 की का भी मान 1, तो 1 का स्क्वायर घटके कितना, इसमें क्या बना हुआ 0, समझ में आया, कैसे हुआ 0 सवाल को, इस सवाल को देखना है क्वेश्चन नंबर 8। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो आपको थीटा का मान निकालना है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा और उसके बाद कहता है कि थीटा का मान कितना होगा, सिंपल सी बात है, आपको करना कुछ नहीं है। साइन थीटा और कॉस थीटा है तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ इधर भी आप कॉस थीटा से भागा दे दीजिए और इधर भी कॉस थीटा से भागा दे दीजिए। दोनों तरफ कॉस थीटा से भागा देंगे तो इधर हो जाएगा आपको साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, फॉर्मूला आप लोग को लिखा है ना, टेन थीटा, और यह कॉस कॉस कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, कॉस कॉस एक जैसा है कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब टेन थीटा में 1 कितने डिग्री का मान है, तो टेन 45 का मान है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं टेन थीटा और 1 को लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है।
तो अब इसको लिख सकते हैं टेन टेन कैंसिल, टेन टेन क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या, थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री।